दोस्तों, आपने सरकार द्वारा शुरू की गई ई श्रम कार्ड योजना के बारे में तो सुना ही होगा। योजना उन श्रमिकों के लिए है जिनके लिए सरकारी मदद या बैंक आदि से लोन मिलने में दिक्कत आती है। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो दिहाड़ी मजदूरी कर अपना काम चलाते हैं। सरकार द्वारा इन कार्ड धारकों को 500 रुपए की मदद दी जाती है। इसके अलावा और भी कई लाभ है जो श्रमिक कार्ड धारकों को मिलते हैं। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शामिल है, जिसमें श्रमिकों को 2 लाख रुपए की बीमा की सुविधा दी जाती है। श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। कार्ड धारक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए और विकलांग हो जाए तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की मदद दी जाती है। इतना ही नहीं, ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत सरकार रजिस्टर्ड श्रमिकों को मुफ्त साइकिल, मुफ्त सिलाई मशीन, बच्चों को छात्रवृत्ति आदि देती है। जिन श्रमिकों ने ये कार्ड बनवाया है वो घर बनवाने के लिए आसानी से लोन ले सकते हैं। अगर अब तक ये कार्ड नहीं बनवा सके हैं आप, तो तुरंत बनवा लें और आधार की मदद से खुद भी ये कार्ड बनवा सकते हैं। और अगर खुद नहीं बनवा सकते तो पड़ोस के किसी जन सहायता केंद्र पर जाएं और कुछ रुपए का शुल्क चुकाकर आसानी से ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। इन कागजों की होगी जरूरत। ई श्रम कार्ड के लिए आपके पास आधार कार्ड, आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आय का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, IFSC कोड, राशन कार्ड, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ऑनलाइन कैसे करें रजिस्ट्रेशन? दोस्तों, इसके लिए आपको ई श्रम की वेबसाइट पर जाना होगा जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ सेल्फ रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाकर अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसी सेक्शन में आपको बैंक की डिटेल और मोबाइल नंबर दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा और अगर आप चाहें तो इसी पोर्टल पर सुधार भी कर सकते हैं। ऑफलाइन ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं, जरूरी कागजात को साथ लेकर जाएं। कुछ रुपए की फीस देकर आसानी से ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। आप चाहे तो जिला या उपजिला में राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय में भी ई श्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ई श्रम कार्ड पर लोन की सुविधा मिलती है। ये लोन PM स्वनिधि योजना के तहत दिया जाता है। इसके लिए आपको PM स्वनिधि योजना की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ लोन का अलग सेक्शन दिखेगा जहाँ आपको 10,000, 20,000, 50,000 के लोन का विकल्प मिलता है। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP वेरीफाई करें। इसके बाद आधार नंबर डालें, जिसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में अपनी सभी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी और मांगे गए सभी दस्तावेज अपलोड कर दें और फॉर्म को सबमिट कर दें। कागजों की चेकिंग के बाद लोन आपके खाते में आ जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।